मैं आपका दोस्त राधेश्याम भवसार। तो आज मैं आपको ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट वहां पे मैं गया था, तो मैं दिखाऊंगा आपको स्पेसिफिक वॉशिंग मशीन्स में क्या मटेरियल यूज होता है, कौन सा कैसा स्टील है। स्टील का गेज नहीं बताऊंगा मैं आपको, मैं स्टील को मैंने फील किया है, देखा है उसका टफनेस, देखा है शाइन, देखा है किस तरह से मटेरियल यूज होता है, कैसे वॉशिंग मशीन बनता है, वो मैं एक छोटी सी क्लिप आपके साथ में शेयर करूंगा एक दो मिनट की, तो वो पूरी वीडियो देखिए। मशीन तो सभी तरह की मिलती है, बहुत सस्ती भी मिलती है, बहुत महंगी भी मिलती है, लेकिन हमें मशीन्स लेनी है, हम इतने अमाउंट देंगे कि वो मशीन्स हमें लाइफ टाइम के लिए हमें यूज करना है। ऐसी मशीन्स हमने फाइंड आउट की है ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट की। तो मेरा अभी सर्टनली जाना हुआ था, तो मैंने देखा है वो मशीन कितना हेवी मशीन से, वो देख के ही पता चलता है। अगर आपको मशीन्स लेनी है तो आप कम से कम 2-4-5 लाख का सेटअप अगर लेंगे तो आपको 2-3 फैक्ट्रीज में जाना चाहिए। कोटेशन तो लेंगे आप, लेकिन फैक्ट्रीज में जाइए, कैसा मशीन है, कितना हेवी है, वो आपको प्रेजेंट वहां पे होके आपको सामने सामने अगर देखेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक हेवी मशीन का और एक ऑर्डिनरी मशीन का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो वही मैं क्लिप आपके साथ में अभी शेयर करता हूं। तो इस वीडियो को पूरी देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कल मैं आपको दिखाऊंगा हाइड्रो मशीन से रिलेटेड, तो ये तीनों पार्ट पूरा देखिए। फर्स्ट पार्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगा तो आप वो देख लीजिए, ये सेकंड पार्ट है और कल आएगा वो थर्ड पार्ट होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन में उसका भी दूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।